लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग देखा था, आज हम देखेंगे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ के मींस क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग और के मींस क्लस्टरिंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है कि जब हमने हायरार्किकल क्लस्टरिंग की और हमको एक डेंडोग्राम मिला तो उस डेंडोग्राम के बेस पर हम डिसाइड करते थे कि कहाँ पे कट लगाना है, कितने क्लस्टर्स चाहिए, वो सब हायरार्किकल क्लस्टरिंग में था, राइट। के मींस क्लस्टरिंग में क्या होता है कि यूज़र पहले से डिफाइन कर देगा कि मुझे इतने क्लस्टर्स चाहिए। मिनिमम हम दो क्लस्टर्स लेते हैं, एक लेने का कुछ मतलब नहीं है। जब मैं एक लूँगा मतलब पूरा डेटा ले रहा हूँ, जो आई डोंट थिंक विच मेक सेंस। तो दो या दो से ज़्यादा क्लस्टर्स हम बनाते हैं, यूज़र अपने ओर से इनपुट देता है मुझे दो क्लस्टर चाहिए या तीन क्लस्टर्स चाहिए या फोर क्लस्टर्स चाहिए, कुछ भी हो, ठीक है। तो जब हमारे पास डेटा अननोन है कि कितने क्लस्टर्स बनेंगे, तब हम के कैसे डिसाइड करें। एक क्वेश्चन आता है ना कि जब हमको मालूम ही नहीं है क्लस्टर्स कितने बनने वाले, सही क्लस्टर्स क्या होंगे, तब हम के कैसे डिसाइड करें। तो ये मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द के मींस क्लस्टरिंग, कैसे के डिसाइड किया जाता है और कैसे करना चाहिए। करंटली हम बाय रैंडम हमारी ओर से क्लस्टर्स के इनपुट देंगे, ठीक है। सो अब इसका स्टार्ट कैसे करेंगे कि मुझे फॉर एग्जांपल मैंने दिया तीन क्लस्टर्स चाहिए, तो मेरे पास जो भी डेटा होगा उसमें से तीन पॉइंट्स रैंडमली पिक कर लिए जाएंगे और आगे के जो स्टेप्स हैं वो हम कवर करते हैं। तो कौन से स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप आता है कि फॉर ईच पॉइंट इन द डेटा प्लेस इट इन द क्लस्टर फ्रॉम वेयर सेंट्रोइड इज द नियरेस्ट। तो मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, वो पॉइंट एक सिंगल पॉइंट है, तो जो पॉइंट ही उसका सेंट्रोइड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रीअसाइन ऑल द पॉइंट्स टू देयर क्लोजेस्ट सेंट्रोइड। अब मैंने एक पॉइंट लिया, उसके नज़दीक के सभी पॉइंट्स में उसके क्लब कर लूँगा, ठीक है। तमाम पॉइंट्स क्लब कर लिए, फिर मैं सेंट्रोइड अपडेट करूँगा, राइट। जैसे नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज होंगे सेंट्रोइड चेंज होगा, और फिर से हम स्टेप वन पे जाएंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे, और इस तरीके से के मींस क्लस्टरिंग होगा। ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि किस तरीके से होता है। और हमको फिर एक पॉइंट पर स्टॉप करना है। हम कब स्टॉप करेंगे, ये जब कन्वर्जेंस अचीव हो जाए। कन्वर्जेंस किसको बोलते हैं कि जब क्लस्टर्स और सेंट्रोइड दोनों ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, तो उस टाइम पे कन्वर्जेंस आ जाएगा और तब हम स्टॉप कर देंगे। ये पूरा जो प्रोसेस है ये मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। सपोज कर लो कि मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, राइट, 1, 1, 1.5, 2, 3, 4, 3.5, 5, 3.5, 4.5, 4.5 and 5, 7। तो मुझे दो क्लस्टर्स चाहिए, मैंने इनपुट दिया दो क्लस्टर्स, मैंने सिलेक्ट कर लिया पॉइंट 1, 1 और दूसरा पॉइंट सिलेक्ट किया 5, 7, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट सिलेक्ट किए मैंने। अब क्या होगा, 1, 1 अपने आप में एक सेंट्रोइड है खुद का, 5, 7 भी अपने आप में एक सेंट्रोइड है। तो अब ये सब पॉइंट्स के नज़दीक का पॉइंट देखा। फॉर एग्जाम्पल 1.52 किसके नज़दीक है, 1, 1 के नज़दीक है, राइट। वो और 5, 7 से बहुत दूर है, तो 1.5, 2 और 1, 1 एक क्लस्टर बनाएंगे, और 5, 7 के नज़दीक कौन है, 4.5, 5। अब फिर से चेक करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट, राइट, कौन किसके नज़दीक है। आप ये देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास जो 3, 4 था 1, 1 के ज़्यादा करीब था और 5, 7 से थोड़ा सा दूर था। तो ये पूरा मैं प्रोसेस जब कंप्लीट करता हूँ तो मेरे पास 1, 1, 1.5, 2 और 3, 4 एक क्लस्टर में आ गए, 5, 7, 3.5, 5, 3.5, 4.5 and 4.5, 5। इसने दूसरा क्लस्टर बनाया, तमाम पॉइंट्स आ गए। अब क्या होगा, क्लस्टर्स के जो सेंट्रोइड अपडेट होंगे 1, 1, 1.5, 2 और 3, 4, इनके सेंट्रोइड अपडेट होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लूं कि 1, 1, 1.5 और 3, इसको मैं ऐड करूं तो हो जाएगा 5.5 और डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो ये 1.83 जैसा कुछ आएगा, और 1, 2 और 4 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 point something ही होगा। तो 1.8 और 2 point something हुआ, तो ये क्लस्टर का सेंट्रोइड होगा। सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है 5, 7 वाले जो क्लस्टर्स हैं इनका सेंट्रोइड देखूंगा। फिर से मैं वही प्रोसेस करूंगा, क्या मैं देखूंगा कि कोई ऐसा पॉइंट है कि जो दूसरे सेंट्रोइड से अलग हो, ठीक है। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लस्टर में मेरे पास 1.8, 2 something है, यहाँ पे मेरे पास कुछ और है, तो मैं देखूंगा इस यहाँ के जो सेंट्रोइड से, फिर ये देखूंगा 3, 4 इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा और यहाँ से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा और देखूंगा कि क्या ये पॉइंट यहीं रहना चाहिए या यहाँ जंप करना चाहिए।
इनिशियली हम इस एग्जांपल में अगर मैं 1.8 कॉमा 2 देखूँगा तो ये इसके यही सी क्लस्टर्स में रहेंगे और यहाँ पे ये जो फाइन पॉइंट्स हैं ये फ्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अगर अब मैं k इक्वल्स टू 2 के बाद क्लस्टर्स मैंने अपडेट कर लिए, सेंट्रोइड्स अपडेट भी कर लिए और फिर से जो प्रोसेस किया तो मैं ये देखूँगा कि सेंट्रोइड्स और क्लस्टर्स स्टेबलाइज हो गए होंगे, तो मेरे दो क्लस्टर्स ये फाइनल हो गए, ठीक है, यहाँ पे और कोई चेंज नहीं होगा। 3-4 वाला जो पॉइंट है अपनी ही जगह रहेगा, वो जंप करके दूसरे पार्ट में नहीं जाएगा, रीज़न बीइंग कि वो 1.1, 1.5.2 और 3.4 से जो सेंट्रोइड बना उसके ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो ये मेरे दो क्लस्टर्स बन गए। अब हाउ टू चूज़ वैल्यू ऑफ के, कैसे डिसाइड करें कि मुझे दो क्लस्टर्स मिलने चाहिए, तीन क्लस्टर्स मिलने चाहिए और तीन या चार क्लस्टर्स मिलने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक मेथड हमारे पास बचती है ट्रायल एंड एरर और हम देखेंगे व्हाट लुक्स गुड। अब व्हाट लुक्स गुड का मतलब क्या, जब मैं बोलता हूँ कि अच्छा क्या दिख रहा है तो मेरे हिसाब से कुछ और अच्छा दिखता होगा, किसी के हिसाब से कुछ और अच्छा दिखता होगा, एक स्टैंडर्ड मेथड होनी चाहिए। तो वो मेथड क्या है कि हम एवरेज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द सेंट्रोइड देखेंगे, क्या देखेंगे, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द सेंट्रोइड, और आइडियली जो एवरेज डिस्टेंस है उन पॉइंट्स का सेंट्रोइड से वो कम से कम होना चाहिए। तो जब मेरे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, ये चीज़ हो जाएगा तो मैं बोलूँगा कि हाँ मेरा फाइनल हो गया, मुझे के दो चाहिए या तीन चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ले लो कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं टू डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है, अगर मैं ये देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो क्लस्टर्स बने, राइट हैंड साइड के 3 और लेफ्ट हैंड साइड के 6। अब के इक्वल्स टू 2 जब मैंने दिया तो मेरे पास ये कुछ इनपुट्स आए, बट अब मैं फॉर एग्जांपल देखो कि यहाँ पे मैं ये 6 पॉइंट्स का एवरेज ले लूँ, ठीक है, और डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ सबका, यहाँ से इसके तमाम 6 पॉइंट्स का एक एवरेज लूँगा, सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा और एवरेज डिस्टेंस लूँगा, सिमिलरली यहाँ पे होगा। तो मैं क्या देखूँगा कि जब k इक्वल्स टू 3 में मैं गया तो ये 3 कंबाइन हो गए, तो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस कम हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 का जो सेंट्रोइड आएगा वो यहाँ कहीं होगा, इसका भी यहीं कहीं होगा, तो यहाँ से जो मुझे जो मिल रहे हैं एवरेज डिस्टेंस वो कम है रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो आइडियली जब मेरे पास इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है तो k इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट डिज़ायरेबल बट k इक्वल्स टू 3 इज़ डिज़ायरेबल। वाई, के एवरेज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द सेंट्रोइड यहाँ पर कम है। दिस ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ, तो ये था हमारा टॉपिक K-means क्लस्टरिंग, और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे और जहाँ पे हम देखेंगे कि K-means क्लस्टरिंग किस तरीके से किया जाता है।